प्रदेश के फतेहपुर जिले के नोडल अधिकारी बनाकर भेजे गए प्रयागराज परिक्षेत्र के डीआईजी ने आज अचानक जेल का निरीक्षण किया, जहां डीएमएसपी सहित पुलिस फोर्स ने जेल का निरीक्षण कर बैरिक की तलाशी ली। वहीं डीआईजी ने जेल में बंद कैदियों से हालचाल लिया। डीआईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि जेल में कैदियों की क्षमता से ज्यादा कैदी बंद हैं। वहीं जिले में अपराध संबंधित बात करते हुए कहा कि जिले में अपराध कम हुए हैं और बांदा सागर में अवैध वसूली की शिकायत मिलती रही, लेकिन रात में सिविल गाड़ी से भगवा से ट्रक के पीछे गाड़ी लगाकर पीछा किया गया, लेकिन कहीं ट्रकों को नहीं रोक पाया गया। वहीं डीआईजी ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप जिले में रात्रि विश्राम कर जिले की स्थिति को देखा गया है। जहां कानून व्यवस्था ठीक है, वहीं पुरानी घटनाओं को खोलने का पुलिस महकमे को निर्देश दिया गया है। 324 तो वो एमपीडब्ल्यू में पकड़ कर गया, उसको मालूम नहीं था, उसको कोई वकील नहीं है जिससे उसको बेल मिल सके। तो इस तरह के मामले जो वहाँ पर स्टेट जो हमारा जिला विधिक सहायता प्रकोष्ठ स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, उसी तरह से डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी होगी, उसको वहाँ केंद्र साहब से उसको रेफर कर दीजिए। इसी तरह से एक आदमी मेरा जो अपना ट्रांसफर चाहता है अगर उसमें आया था तो, और जो जनपद के बाहर के हमारे दादी हैं यहाँ पे ट्रांसफर करके आए हैं, उनको हम ट्रेनिंग कर रहे हैं कि जैसे हमें मालूम हो कौन शातिर अपराधी है जिसको हमें ले जाना है, तो हम प्रॉपर उसको एस्कॉर्ट करके प्रॉपर गाड़ी से ले जाए, जिससे कोई रास्ते में कोई ऐसी दुर्घटना भागने की या ना हो। इधर निकट भविष्य में जनता इतनी है जिसमें अपराधी रास्ते में भागे, तो इसको संवेदनशीलता से देखने की जरूरत। इसी तरह से ये हुआ कि बहुत सारे मुझे मैं जिनको कि रेफर किया गया कान खुल जाना परीक्षण के लिए, तो उनको ये हुआ कि ये देखा जाए कि सेकेंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे, तो उस समय हमारे बैंक